हमें मालूम है एक मुश्किल चैप्टर नहीं है अगर स्ट्रेटजी के लिए इसको किया जाए, आसान सा ही चैप्टर है, इजी सा ही चैप्टर है, कुछ खास प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अगर कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखोगे देन इट इज इजी चैप्टर वी कैन से, बहुत आसानी से इसमें परफॉर्म किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट को अगर कुछ दिनों बाद पढ़ो तो ऐसा लगता है कि कुछ भूल गए, लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर आप पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूसली याद रहने वाली चीज है, इसमें कोई खास हमें दिक्कत नहीं आती। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम ही बताता है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज के रिलेशन को बताती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल चेंज। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंज कर सकते हैं जैसा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है, और हम केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी चीजों को जानना और इसके कुछ कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में है इन्हें पहचानना, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमसे पूछा जाता है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों को यहां पर समझने की जरूरत है, आइए जानते हैं। देखो, आज हम बेसिकली कंडक्टिविटी के कंसेप्ट को लेने वाले हैं। कंडक्टिविटी पे क्या क्या क्वेश्चन आता है जरा उसके बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप बच्चों को पता होनी चाहिए, जिसे आप सभी बच्चे जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिजिक्स में आप अच्छे से इस बात को जानते हैं, और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये हमें ध्यान रखना है एल बाय ए। एल बाय ए को एक पूरी क्वांटिटी मानते हुए इसे सेल कॉन्स्टेंट कहा जाता है, ये सेल कॉन्स्टेंट यहां पे रहेगा। यानी एक कंटेनर लिया, कंटेनर में इलेक्ट्रोड लगा दिए, उन इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि इलेक्ट्रोड का है, इसे सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं। सेल कॉन्स्टेंट हमेशा किसी भी सेल के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी सेल होगी उसमें लेंथ वही रहेगी और इलेक्ट्रोड वही रहेंगे, चाहे उसमें सॉल्यूशन कोई भी डाल दें, लेकिन सेल कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल करने है ना वहां पर ये गड़बड़ी हो जाती है। तो सेल कॉन्स्टेंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, इस पॉइंट को याद रखें। जहां तक यूनिट की बात है, लेंथ सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट। एसआई में मीटर इनवर्स, फिजिक्स में अगर आप पढ़ोगे तो आप वहां पे मीटर इनवर्स की टर्म में इसकी यूनिट पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री में सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट को आपने यहां पर लर्न करना है, ये यूनिट याद रखनी है। अब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे रो आएगा, दिस इज रो, पी नहीं रो। इस रो को हम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, इसे हम देखो आर रेजिस्टेंस हो गया, तो रो को हम रेजिस्टिविटी, तो रो के लिए रेजिस्टिविटी शब्द इस्तेमाल होगा, और इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से पहचानेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहा जाएगा। तो बड़े आराम से समझते हुए इन शब्दों को ध्यान रखना होगा, कई बार चीजें कई सारी हो जाती हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कहा गया। तो हमारा अगला फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, ये हमारे पास अगला फॉर्मूला बनेगा। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, आर की यूनिट ओम, ए की सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर, इस तरह से आप इसकी यूनिट को याद रखेंगे ओम सेंटीमीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको ध्यान रखनी है इस तरह से। अगली चीज हमारे पास आती है जिसे कंडक्टेंस कहा जाता है। कंडक्टेंस कैपिटल सी और कैपिटल जी,
इनको याद रखना है। मैं यहां पर शब्द लिखता हूं, कंडक्टेंस कैपिटल सी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके लिए कैपिटल जी इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल जी भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यह सिंपली कैपिटल सी लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन अगर तैयार करेंगे तो वहां पर यह शब्द कई बार आता है, तो कैपिटल जी और कैपिटल सी इस कंडक्टेंस, इस पॉइंट को यहां पर याद रखना। ऐसे ही हमारे पास एक और शब्द आता है जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। यहां बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ जनरल चीजों को ही ध्यान रखना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी स्मॉल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के को कप्पा कहा जाता है, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये उसका रेसिप्रोकल होता है। देखो ये चीजें लिख लिख के याद करोगे, साथ के साथ याद होगी। पहले हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला याद किया, L by A सेल कांस्टेंट, L by A को G स्टार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल G स्टार भी इसको कहा जाता है। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसकी जगह रो लगाया, जिसे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम दिया गया, और रो की वैल्यू को जब यहां हमने देखा R into A by L, और यहां पर हमने यूनिट को इसकी ध्यान रखा। अब रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस का फार्मूला निकाला, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 by R, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से हमने कंडक्टिविटी का फार्मूला या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला निकाला, कप्पा इज इक्वल टू 1 by ρ, ये हमने निकाला। नाउ अब आपने रो की वैल्यू को यहां से पुट करना है, ऊपर वाले फार्मूले से रो की वैल्यू को यहां पुट करो। तो जब आप इस वैल्यू को पुट यहां पर करते हैं तो ये 1 by R L by A, ये आपके पास फार्मूला बनेगा 1 by R L by A। अब देखो 1 by R कंडक्टेंस के बराबर था और कंडक्टेंस को जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको जी और सेल कांस्टेंट को मैंने अभी बताया जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपने याद रखना है कप्पा इज इक्वल टू G into G star, ये एक फार्मूला भी हमारा बनता है। जब 15 ईयर के क्वेश्चंस तैयार करोगे तो वहां पर इस बात की जरूरत पड़ेगी कि कप्पा किसके बराबर होता है, तो एक फार्मूला G into G star, और क्लास 12th के लिए 1/R into L by A, आपने इस फार्मूले को याद रखना होगा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, लेंथ सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से जब आपने सॉल्व किया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो बिकॉज देखें बात क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई तरह की कंडक्टिविटी आएंगी और उसमें मेंशन नहीं होगा कि कौन सी कंडक्टिविटी है, तो आप उसको यूनिट से ध्यान में रखोगे कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इसे कहा जाएगा। ओम इनवर्स की जगह मो भी लिख सकते हैं, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट कही जा सकती है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आप इस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। SI में सेंटीमीटर की जगह मीटर होता है, फिजिक्स में अगर आप इन टर्म्स को पढ़ेंगे तो वहां मीटर का एग्जाम वहां पर दिया जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम यहां सॉल्व करते हैं तो सेंटीमीटर में ही इसको जनरली लिया जाता है और इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां से आप कप्पा की डेफिनेशन याद करोगे, देखो मेनली इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए वो भी ठीक है, आने चाहिए, लेकिन मेनली हमारा टॉपिक यहां से शुरू होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ये कहा जाता है। तो हम कहते हैं इट इज द कंडक्टेंस ऑफ
कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन। 1 cc सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस है, आपने कोई सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सब्सटेंस डाल दिया, कितना भी डाला, यहां कोई मेंशन नहीं है कि अमाउंट कितना हो, कितना भी डाला, अगर उसका वॉल्यूम 1 cc है तो उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम 1 cc होना चाहिए, अमाउंट कितना भी हो, 1 mole, 2 mole, 1 gram, 2 gram, उससे मतलब नहीं। वॉल्यूम यहां पर आपने आज के पूरे टॉपिक में इस बात को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम यहां पर मेंशन होना चाहिए, उस बारे में भूलना नहीं, ये याद रखना। एसआई डेफिनेशन होती तो 1 cc की जगह 1 meter cube कहा होता, लेकिन यहां पर आपने 1 cc शब्द को याद रखना। अगली डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, मोलर कंडक्टिविटी। पहले मैं सभी डेफिनेशन और सभी फॉर्मूले करा देता हूं और फिर उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे और कंडक्टिविटी का ये पूरा टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी, अगर मैं इसको शॉर्ट में कहता हूं, तो इसका मीनिंग है कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, हैविंग 1 mole इलेक्ट्रोलाइट, 1 mole इलेक्ट्रोलाइट, ये शॉर्ट में कह रहा हूं। यानी अब देखो, आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 1 mole इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब इस बात को समझना, जैसे कंटेनर है, इसमें 1 mole इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पानी कितना भी है, पानी इतना भी हो सकता है, 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 कितना भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स होगा, वो कितना होगा, 1 mole सॉल्यूट, 1 mole होना चाहिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या नॉर्मल कंडक्टिविटी में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफाई नहीं था, वहां वॉल्यूम था कि वॉल्यूम 1 cc होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि अमाउंट आपको स्पेसिफाई करना है कि अमाउंट 1 mole होना चाहिए, वॉल्यूम कितना भी हो जाए उस बात में आपने नहीं जाना। यहां पर इसको डेल्टा लैम्डा जो भी आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं उस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको लैम्डा बोल सकते हैं। लैम्डा एमसी मोलर कंडक्टिविटी, एट गिवन कंसंट्रेशन, अब मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसा कि मैंने कहा, 1 mole इलेक्ट्रोलाइट 10 cc सॉल्यूशन में है, कंसंट्रेशन कुछ और होगी। 1 mole इलेक्ट्रोलाइट 1 liter में है, कंसंट्रेशन कुछ और होगी। 1 mole इलेक्ट्रोलाइट 10 liter में है, कंसंट्रेशन कुछ और होगी। तो आपको जो भी कंसंट्रेशन दी गई है, लेकिन अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 mole। तो 1 mole कितने वॉल्यूम में है, उसकी जो भी कंसंट्रेशन है, उस वक्त जो कंडक्टिविटी आती है उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है, मोलर कंडक्टिविटी। अब सपोज आपके कंटेनर में आयन प्रेजेंट हैं जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने कुछ पानी डाल दिया, 10 ml पानी डाल दिया, उस वक्त कंसंट्रेशन मेजर कर ली और उस पे जो कंडक्टिविटी है वो देख ली, वो मोलर कंडक्टिविटी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप इसमें पानी डालो, इतना पानी डालो कि ये आयन एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएं कि आयन्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना हो, अगर हो तो नेग्लिजिबल हो, उसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कह लो या लिमिटिंग भी वैल्यू उसको कहा जाता है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इतना सॉल्वेंट मिला देते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं, और उस पे मेजर की गई कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसे कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इंफिनिटी, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। ये शब्द आखिर तक आपको याद रखने हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये शब्द आपको आखिर तक लर्न करने हैं, याद रखने हैं। अब यहां पर एक और फॉर्मूला, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहां पर आपको ये कहा गया है अल्फा, अल्फा का मतलब क्या हुआ, मोलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में फर्क होता है, आपके लेवल पे हम इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनकी वैल्यू गिवन होगी। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन या तो वैल्यू गिवन होगी या आप फाइंड आउट करेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों वैल्यू से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100, ये परसेंटेज डिसोसिएशन होगा अल्फा इंटू 100। आप इस परसेंटेज डिसोसिएशन को यहां पे लर्न करेंगे, यहां पे इस परसेंटेज डिसोसिएशन को याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूले, ये चीजें साथ के साथ याद रखने की जरूरत होगी। इसके अलावा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को कहा जाता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये एक्चुअल फार्मूला होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल गलत इसलिए होते हैं क्योंकि कई बार सारे फार्मूले याद नहीं रहते। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा तो अल्फा निकालना है, परसेंटेज डिसोसिएशन कहा तो अल्फा इंटू 100 निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसके नीचे लिख लेना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या है, मोलैरिटी, यहां सी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इस तरह से आप यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल बड़ा न्यूमेरिकल हो जाता है, एग्जामिनर इतनी कैलकुलेशन आजकल देना अवॉइड करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव में वो हरगिज अवॉइड नहीं करेंगे। तो आपने इन फार्मूला को यहां पर याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन फार्मूला याद रखना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला याद रखना। अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जहां मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कप्पा का इस्तेमाल करेंगे। कप्पा मैंने अभी बताया था किसके बराबर है, 1/r इंटू एल बाय ए। तो अगर आपके पास 1/r एल बाय ए की वैल्यू है तो आप कप्पा निकाल सकते हैं, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो अभी तक जो जो मैंने बताया उसमें याद रखने वाले फार्मूले, कप्पा का फार्मूला याद रखना है, यहां से मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला याद रखना है, अल्फा का फार्मूला आपको याद रखना है, ये साथ साथ रिटन प्रैक्टिस से ही इसको याद किया जाएगा, समझा जाएगा। लास्ट कंडक्टिविटी आती है जिसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो, पिछली चीजों को ना याद रखना जरूरी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या बताया था कि भाई जब 1 cc सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है 1 cc, यानी जैसे ये पानी है इसमें 1 cc है, अब इसमें सॉल्यूट कितना भी हो, वॉल्यूम अगर 1 cc है तो उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा। अगर इसमें 1 mole इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, 1 mole, तो वॉल्यूम कितना भी हो उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा जब अमाउंट 1 mole होगा। उसी तरह से जब अमाउंट 1 equivalent होगा, जब अमाउंट 1 equivalent होगा उस वक्त जो कंडक्टिविटी होगी उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाएगा। सो वी कैन से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस
ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जहां वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो। शॉर्ट में ये डेफिनेशन है, बाकी क्लासेस में तो मैंने आपको बताया है कि इसमें आगे भी लिखा होता है कि जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो कि सारा सॉल्यूशन भी आ जाए। लेकिन ये डेफिनेशन 12th लेवल पे अच्छे से जानने के लिए कंसेप्ट को समझना कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के नाम से पहचानते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अभी हमने पिछले कंसेप्ट में मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ा था, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और ये हुआ कप्पा इज इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का यहां पर फर्क होगा। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, सो लैम्डा ईक्यूसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन है, यानी वन इक्विवेलेंट 10 cc में डाला, वन इक्विवेलेंट 100 cc में डाला, वन इक्विवेलेंट 1000 cc में डाला, जो भी कंसंट्रेशन है उस पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और अगर मैं लिखता हूं लैम्डा इक्यू जीरो या इक्यू नॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कहा जाएगा, या इसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के नाम से भी पहचाना जाएगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाएगा। अब पिछले कंसेप्ट की तरह अल्फा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये फार्मूला यहां से बन जाएगा। इसको याद रखोगे, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू 100, इस फार्मूले को यहां पे याद रखोगे। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी गई और आपसे अल्फा निकालने को कहा गया, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को कहा गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा, आप इस फार्मूले का यहां पे इस्तेमाल करोगे, इस फार्मूले को यहां पे याद रखोगे। सी मैंने कहा यहां पर क्या है, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, ये यहां पर सी का मतलब होगा, इस बात को समझो। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। दो चार बार इसको डिक्टेट करोगे, खुद ही समझ में आएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 cc सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस 1 mole इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और अगर 1 equivalent प्रेजेंट है तो उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाएगा। इस फार्मूले को रटना है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये इनका रिलेशन हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशन यहां पर बनेगा। अब क्वेश्चन आता है, व्हेन मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, जवाब देना, व्हेन कप्पा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हेन कप्पा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बन के आता है वो ये है, व्हेन कप्पा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या ऊपर बताए गए कंसेप्ट के बेसिस पे आप इन चारों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं? आपको पता हो कि मोलर कंडक्टिविटी 1 mole होना चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 equivalent होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वॉल्यूम 1 cc, आरएन एन फैक्टर 1 ठीक है, एसिडिटी बेसिटी 1, ऋषभ ठीक है, तान्या लूप बिल्कुल ठीक है, ओजस्वी करेक्ट, श्रुति करेक्ट, ठीक है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही। क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये है, तो हम कहेंगे व्हेन एन फैक्टर इज 1 और एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल टू 1,
जब एसिडिटी बेसिसिटी 1 होगी तो बिल्कुल मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होंगी। फर्स्ट पार्ट का जवाब सभी बच्चों का सही। श्रुति, सेकंड का जवाब आपने कहा मोलैरिटी इज 1 मोलर। देखते हैं क्या जवाब होना चाहिए, थोड़ा सा और प्रसून फर्स्ट। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, कप्पा, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 cc सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी 1 mole की। प्रसून सेकंड का जवाब करेक्ट, आक्षी सेकंड करेक्ट, निधि फार्मूला के बजाय बेटा सिंपल लाइन में आंसर दे दो, वो आपका जवाब हो जाएगा। निधि थोड़ा ये 1000 ग्राम पर ml, अब सॉल्यूट तो कोई भी हो सकता है, तो ये जो ग्राम आपने लिखा है ये नंबर ऑफ मोल में गड़बड़ी कर देगा। मनीष, मोलैरिटी 1 liter है, कोई कंसेप्ट ही नहीं बना बेटा। आर्यन, मोलैरिटी 1000। अरे सीधी सी बात है, देखो अब मैं इसका जवाब ऐसे लिखता हूं, व्हेन 1 cc ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 mole इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके पास वॉल्यूम 1 cc है, तो वॉल्यूम अगर 1 cc है तो वो कंडक्टिविटी की कहलाई जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि 1 cc, और अगर उसमें अमाउंट 1 mole है तो वो मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मैंने 1 mole को 1 cc में डाल दिया, तो 1 mole है तो मोलर हो गया, 1 cc है तो स्पेसिफिक हो गया, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरे का, तीसरे का जवाब भी हो जाएगा, 1 cc सॉल्यूशन हैविंग 1 equivalent electrolyte, अगर 1 equivalent electrolyte 1 cc में है तो उस वक्त 1 cc लिया तो ये कप्पा हो जाएगा, और 1 equivalent लिया तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तभी मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में याद करवाया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शॉर्ट फॉर्म में याद करो, मोलर कंडक्टिविटी शॉर्ट फॉर्म में याद करो, ताकि ये सारी चीजें याद रहे। और लास्ट वाला बताएगा कोई बच्चा क्या रहेगा लास्ट का जवाब, कि कब ये तीनों वैल्यूज बराबर होंगी, लास्ट वाला जवाब बता दो क्या जवाब आता है। लास्ट केस सोचो, मैंने लेक्चर्स के दौरान भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, आपने जो ऑलरेडी अपने लेक्चर्स देखे हैं उसमें भी आप इस क्वेश्चन का जवाब जान चुके हैं। कोई बच्चा आंसर बताना चाह रहा है जल्दी से? ओके, दो जवाब ठीक है, कैन बी कंसिडर, एनी अदर, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। चलो ओजस्वी, 1 dmol, ओजस्वी ये एक क्रिएटिव आंसर है, जो सही है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, बट क्रिएटिव जरूर है। अच्छा देखो, अगर मैं कहता हूं 1 mole इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 in 1 cc solution, 1 mole 1 cc में, और वो 1 mole ऐसा है जिसकी एसिडिटी बेसिसिटी 1 है। अगर एसिडिटी बेसिसिटी 1 होगी तो आप जानते हैं मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होंगे, तो एसिडिटी बेसिसिटी 1 होने का मतलब मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होंगे, और क्योंकि वॉल्यूम 1 cc है और 1 cc की जो कंडक्टिविटी है उसे कप्पा कहा जाता है, तो 1 mole इलेक्ट्रोलाइट हैविंग एसिडिटी और बेसिसिटी इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को लर्न कर पाएंगे, इसे याद करेंगे, ये आपका यहां से फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं, और इतने बताए गए फॉर्मूलाज में से आपने किन किन फॉर्मूलाज को याद रखना। पहला फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। L/A सेल कांस्टेंट होता है और इसकी यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स
ये आपने याद रखना। दूसरा फॉर्मूला अगर हम कहें मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी और इसकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम की बजाय मोहो और सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इस यूनिट को याद रखेंगे। तीसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या ये मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्योंकि अगर शब्द लिख दिया कंडक्टिविटी तो पता ही नहीं कि कौन सी कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक मोलर इक्विवेलेंट आप यूनिट से पहचानोगे। तो यहाँ अच्छा एक एक नंबर में ना आपके एग्जाम में यूनिट भी पूछी गई है कि राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो आपको बतानी है। कुछ एडिशनल में एरिया का फार्मूला याद रखोगे पाई आर स्क्वायर, एरिया आपको रेडियस दे दी इलेक्ट्रोड की, एरिया नहीं दिया। अब सेल कॉन्स्टेंट के लिए एरिया पता होना जरूरी है तो आप यहां से एरिया मालूम कर सकते हो। और मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये पांच फॉर्मूले मेनली अभी के न्यूमेरिकल जो हम करेंगे उनके लिए आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर लिख रहे हो तो इन पांचों फॉर्मूलों को लिख के रखो क्योंकि अब अगले न्यूमेरिकल आप जो मुझे सॉल्व करके बताने वाले हो तो वहां के लिए ये फॉर्मूले आपके लिए जरूरी हैं। चलो ये पहला क्वेश्चन आपके पास 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर रेजिस्टेंस इज 25 ओम्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी। फॉर्मूले ऊपर हैं, वहां से जल्दी से कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्योंकि आपको ये फॉर्मूले यहां पर याद होने जरूरी हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है, कर लो कैलकुलेशन। पहला जवाब शिव्या ने दिया, 40 जवाब दिया है, देखते हैं करेक्ट है या नहीं, लेट्स सी। और देखो फॉर्मूले सामने, आर्यन मलिक इसने भी जवाब 40 दिया। अब 40 है नहीं, कई बार जो ज्यादा जवाब एक बार एक जैसे आ रहे होते हैं कई बार गलत भी हो सकते हैं। अर्पित आर्यन आक्षी ने विद यूनिट दिया है, ओके हाँ साइमंस यूनिट भी लिख सकते हैं। निधि तान्या मनीष आरजू सभी का जवाब एक ही जैसा है, एक जैसा जवाब। अगर गलत आंसर एक जैसे हैं तो ये कहा जाता है कि नकल मारी हो सकती है, लेकिन सही जवाब एक जैसे हो तब तो ऐसा नहीं कह सकते। अब देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। श्रुति का ओके, खुशी ओजस्वी ठीक है, लेट्स सी। ओके तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल करने वाले हैं आप खुद समझ सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है के इंटू 1000 बाय एन। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है के नहीं गिवन। फर्स्ट फार्मूले से पहले आप के की वैल्यू निकालेंगे। के इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस 250 एल बाय ए यानी 2/4। यहां से के की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस के की वैल्यू को आप पुट करेंगे। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ये के की वैल्यू पुट हुई इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी और ये सॉल्व करके आपका जवाब 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स या साइमंस मोहो किसी भी यूनिट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। जवाब कुछ इस तरह से यहां पर बनता है। जवाब सभी बच्चों का आइडेंटिकल आया और सभी बच्चों का जवाब सही गया है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कौन कौन बच्चे सही ढंग से बताते हैं, लेट्स सी। ये क्वेश्चन आसान है बट स्टिल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। क्वेश्चन देखो इस तरह से, कंडक्टेंस ऑफ वन मोलर H2SO4 इज 26 × 10⁻²⁻²⁻ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये आपको यहां क्वेश्चन दिया गया। चल ये क्वेश्चन काफी फेमस है, कई बार बच्चों को इसका ना जवाब भी याद हो जाता है, लर्न हो जाता है इसका जवाब। देखा शेव्य को जवाब याद था या सॉल्व किया शेव्य, जल्दी बताओ। देखो आप जो भी मैसेज बताओगे ना सिर्फ मेरे पास तक आएगा, याद था ना? हाँ चलो कोई नहीं, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। गुड, ऐसी चीजें याद भी रहे तो MCQs में तो कई बार ये चीजें बहुत काम आती हैं। तुरंत क्वेश्चन देखा और उसका फटाफट आंसर मार्क किया प्रसून ने। ओके प्रसून करेक्ट आंसर बेटा, तान्या बिल्कुल सही है, सॉल्व किया ना। देखो जिस बच्चे को याद था वो अपने आंसर के साथ ये भी लिख दो कि मुझे पहले याद था और जो जो सॉल्व कर रहा है वो ठीक है आंसर लिख दो, मुझे मालूम पड़ जाए ना कि हाँ आक्षी ठीक है, आर्यन करेक्ट, तान्या भी करेक्ट। अब इस केस में हाँ खुशी का जवाब भी ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की यूनिट दी गई है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। निधि रीचेक द आंसर बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये आपको यूनिट दी गई है और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, कप्पा की, यानी कप्पा गिवन है आपको, ये कप्पा गिवन है। और आपको मोलैरिटी दी गई है वन मोलर, वन मोलर। ओके अब आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से, मोलैरिटी दी गई है तो मोलैरिटी अगर दी गई है तो साथ में पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो और फिर मोलर कंडक्टिविटी अगर आपकी आ जाए तो इस फार्मूले से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लो। अर्पित का जवाब भी ठीक है और निधि का आंसर भी ठीक है, हिमांशी का भी ठीक है, माही का भी ठीक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखो कि अगर मोलर कंडक्टिविटी है तो पहले बेशक से मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, सो आई कैन से दिस विल बी कप्पा है इतना माइनस टू 1000 और ये 1, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी 260 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन हमसे तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी पूछी गई है, हमसे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी गई है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन बेसिसिटी, क्योंकि H2SO4 है तो बेसिसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। श्रुति का जवाब सही है, सो दिस इज 260 अपॉन 2 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका जवाब यहां पर बनेगा, ये राइट आंसर यहां पे रहेगा। अब इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व हो जाता है। अब जरा मैं होमवर्क में ट्राई करने के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं बच्चों, जरा आपने उनको ट्राई करना है, टाइम यहां हो चुका है तो मैं फटाफट से आपको यहां कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। ओके लेट्स सी, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। देखो ये क्वेश्चन गिवन है, पहला क्वेश्चन हो चुका, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के बाद स्क्रीनशॉट ले लिया हो अगर आपने तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो दो मैंने वहां पर बताए, तीन ये एक्स्ट्रा NCERT ये क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, स्क्रीनशॉट यहां पर ले लेना। और देखो ये NCERT में दिए गए क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के बेसिस पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। NCERT के क्वेश्चन ट्राई कर लो, ये चार क्वेश्चन ट्राई कर लो, सबसे पहले इसी को ट्राई करना। यहां आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जानते हैं इस तरह से, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3.9 ना,
कल के टॉपिक के बाद करना, कोलराश लॉ के बाद करना तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आज ये 3.8 वाला कर लेना और 3.8 के बाद 3.9 वाला कर लेना और 3.11, 3.8, 3.9, 3.11 इन तीन क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से ट्राई कर लेना, बेशक से फटाफट कैलकुलेशन के साथ इसको चेक कर लेना। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसको अभी नहीं करना क्योंकि वो कोलराश लॉ के बाद होगा, उसको कोलराश लॉ के बाद किया जाएगा, ठीक है ना? ओके, सॉल्व करके व्हाट्सएप पे मेरे को जवाब भेज देना सो दैट वी कैन चेक। ओके, और इससे जो पिछला पेज था मैं वो भी आपको दिखा दूं, अगर उसको आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट आप उसका ले लें। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है इस टॉपिक के लिए, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है। अर्पित, आप कल टेस्ट के लिए आ सकते हैं बेटा, नो प्रॉब्लम। आपने जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट कहा है उसके लिए आप आ सकते हो, ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही, लेकिन ये टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो जाना चाहिए क्योंकि देखो प्रैक्टिस पार्ट जो करना है वो आपको खुद ही करना है। मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता सकता हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपके पास हैं, इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा, अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। साहिल, बड़ी मुश्किल से ये टाइम सेट हुआ है बेटा, इस टाइम के अलावा और कोई टाइम नहीं हो सकता क्योंकि हर बच्चे की क्लास कहीं ना कहीं है, वहां पर होगा, तो ये ध्यान रखें। और ऋषभ, ये सब कुछ ऑफलाइन जैसा ही चल रहा है, एक बार वो क्लास हो चुकी है अब ये चल रहा है। अब देखो ज्यादा उसमें नहीं करते, इसमें भी पढ़ाई करते रहो, ये सारी बिल्कुल एक जैसी ही चल रही है, ठीक है बेटा? आज के लिए इतना, चले गुड नाइट। और हाँ प्रिया, जय हिंद प्रिया, शाबाश। ओके, राम राम बच्चों, शिव्या राम राम कर रही है, राम राम, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मीटिंग एंड करता हूँ बेटा।